hurt you. There aren't any. काफी दिनों बाद फ्रेंड्स नींद से जागे हो वॉकिंग करने के लिए, तो काफी दिन गई नहीं मैं, कुछ आज जाके आती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा। आपकी वहाँ पे क्या सर्विस बताना? चलिए थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आते हैं। थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं भाई। इवनिंग वॉक, बहुत दिन के बाद जगे हैं हम। देखो कितने दिन तक जगता है अभी। एक सप्ताह, एक सप्ताह जोश रहता है, फिर उसके बाद फुस। कैसे फ्रेंड्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग निकले हैं गेम जोन के लिए, यहाँ तो काफी दिनों के बाद अपने गुफा से निकाल के लेके जा रहे हैं और गेम जोन में इसको एंट्री दिलाने लेके जा रहे हैं। जी आज काफी दिन से नहीं खेला है, अंदर ही अंदर है, तो सोचा लेके जाते हैं जी आज को, थोड़ा खेल के आएगा। तो चलिए जाके देखते हैं जी आज की मस्ती गेम जोन में। गेम जोन में मजा आएगा, करेंगे हम लोग गेम जोन में। और कितना मस्ती करेंगे, कितना मस्ती करेंगे जी आज, बहुत मस्ती करेगा और मजा करूंगा। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे गेम जोन में और यहाँ पे ना विदाउट सॉक्स अलाउ नहीं करते हैं सॉफ्ट प्ले में, तो हमने वहीं से जियांज को सॉक्स पहना के नहीं लेके गए थे एक्चुअली, तो इसीलिए हमने वहीं से जियांज के लिए सॉक्स खरीदा पहले और जियांज को तभी एंट्री मिला अंदर जाने के लिए। तो और चलिए बस देखते रहेगा कैसा इंजॉय करता है जियांज। और इस बार ना जियांज ने लास्ट टाइम से भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, अब वो हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था। लास्ट टाइम तो वो जो जंगल जिम है ना उस पर नहीं गया था वो, मतलब थोड़ा सा उसको डर लगा था जाने के लिए, बट इस बार ना एकदम कॉन्फिडेंटली गया वो अंदर। आप लोग देखते रहिएगा कैसे इन्जॉय कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्लेस, मतलब ये लगा बच्चों के लिए, किड्स के लिए, विद पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने भी बहुत सारा इन्जॉय किया, आप लोग देख बने रहिएगा ब्लॉग में, आप लोगों को दिखेगा हमने क्या क्या इन्जॉय किया। तो यहाँ मैंने भी थोड़ा एंजॉय किया जियांज के साथ ही, थोड़ा सा फोटो लेने के लिए भी मैं गई अंदर, तो काफी एंजॉय किया हमने भी साथ में।
पीछा पीछा ले बने कि और हमारा हो गया था ऑलमोस्ट जाने का टाइम, जियांस का टाइम लिमिट ख़त्म हो गया था और उसने थोड़ा सा गेम वगैरह भी खेल लिया था, बट उसी टाइम ना इसका फ्रेंड आ गया था, क्लासमेट है ये विहान, तो विहान आ गया था। तो इसके साथ और भी दो फ्रेंड अगर मिल जाए तो और भी ज़्यादा मस्ती करने में लग जाते हैं, तो दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया जियांस ने आज। तो बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से हम जियांस को नहीं लेके आए थे बाहर, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रेश कराने के लिए जियांस को लेके आ गए थे, और लाना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को लेके आइए, एटलीस्ट वीकेंड पे आ जाइए और इन्जॉय करिए गेम जोन में। और यहाँ तो जियांश अपने फ्रेंड्स से मिलके जो चीज़ उसने खेला था पहले सारा चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हो, तो काफ़ी इन्जॉय किया दोनों ने मिलके, बहुत दिनों के बाद भी मिले दो और इसलिए बहुत ज़्यादा ही इन्जॉय किया दोनों ने। तो फ्रेंड्स लास्ट में आप लोग देखना जियांश को किस तरीके से हम लेके जाते हैं घर पर, मतलब उसको ले जाना इतना मुश्किल हो रहा था कि क्या ही बताऊँ, मतलब जा ही नहीं रहा था वो, एक्चुअली बहुत लेट हो गया था, 9 बज गया था रात को और मुझे घर पे थोड़ा काम भी था, इसलिए हमें लेट भी हो रहा था, तो इसलिए जियांश को लेके जाने के लिए देख रहे, बट वो जाने के लिए देख ही नहीं रहा था। और लास्ट में फ्रेंड्स जियांश को इस तरीके से पकड़ के लेके जाना पड़ा। और फ्रेंड्स चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बाय।